इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी को आप मैसेज करते हैं बट वहाँ पर लिखा हुआ आता है फेल्ड टू सेंड। ये ज़्यादातर जो दिक्कत आ रही है ये आती है ग्रुप चैट के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, कभी ऐसा हो कि आप जहाँ पर हों, ठीक है, वहाँ पर उस चैट पर किसी बंदे ने आपको ब्लॉक कर रखा हो, तो उस सिचुएशन में नहीं जा पाएंगे, या आपने उसको ब्लॉक कर रखा हो तो उस सिचुएशन में भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर ये फिर भी नहीं जा पा रहे हैं तो आपको करना क्या है? देखिए, यहाँ पर आपको मैसेज करता हूँ मैं, यहाँ पर ये नहीं जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैक लाना है, प्रोफाइल में जाना है और 3 लाइनों पर जाना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर जो है हेल्प पर जाना है और यहाँ से रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर जाना है। ठीक है, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दी जाएगी एक्सप्लेन, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए उसी उसी का ही, ठीक है। और यहाँ पर आपसे टाइप करिए जो आपको इशू आ रहा है, तो लाइक हमें जो इशू आ रहा है वो टाइप कर देंगे यहाँ पर एंड देन उसको सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है आपको लिख देना है और इतना लिखने के बाद इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो है सबमिट हो जाएगा एंड कुछ देर बाद आपके प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करिए कि फिर यहाँ से आप जो है मिनिमाइज लाइए और प्ले स्टोर में जाइए और इंस्टाग्राम को यहाँ पर सर्च करिए और इसके अंदर आपको अगर अपडेट दिखाई देता है इस तरीके से तो अपडेट कर लीजिए। सबसे पहले अपडेट करने के बाद आप फिर आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। 1-2 घंटे में फ़ोन बंद करके खोल लीजिएगा। लेकिन अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप जो है सेटिंग्स में जाइएगा एंड यहाँ पर जो है सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि आपका इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर इंटरनेट आपने चला रखा है तो एक दफ़ा एरोप्लेन मोड लगा लीजिएगा, अगर बंद कर रखा है तो स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको जो है फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको फिर दोबारा सेटिंग्स में जाना है एंड ऐप्स में जाना है, मैनेज ऐप्स पे जाना है और यहाँ से जो है आपको इंस्टाग्राम को सर्च कर देना है। देखिए, सबसे लास्ट में आप क्या करिए अगर ये इशू सॉल्व नहीं होता है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट डेटा है उसी जगह बंद हो तो स्टार्ट कर दीजिए, फिर दोबारा चेक कर लीजिए। लेकिन अगर फिर भी नहीं जा रहा है तो यहाँ से सीधा डेटा क्लियर मार दीजिए। जब आप डेटा क्लियर मार देंगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आपको दोबारा से लॉगिन इसमें करना पड़ेगा तब। तो ये रहता है बस इसका लास्ट का ऑप्शंस। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।